भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर आगरा का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन भाजी योमो महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस वर्ग में मुख्य अतिथि भाजी योमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल वैदिक रहे। प्रशिक्षण वर्ग 4 सत्रों में आयोजित हुआ। प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री जयवीर सिंह जी ने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों पर विस्तार से युवाओं को बताया। द्वितीय सत्र आगरा उत्तर विधानसभा के विधायक माननीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कार्यपद्धति के बारे में विस्तार से बताया। तृतीय सत्र भाजपा आगरा महानगर के अध्यक्ष श्री भानु महाजन ने संघ विचार परिवार में विस्तार से उद्बोधन दिया। चतुर्थ सत्र भाजपा आगरा महानगर उपाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने व्यवस्था परिचय पर विस्तार से बताया। सत्र समापन के बाद सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में विभिन्न तरीके से प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज इसमें महानगर का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें हम लोग आए हैं, और मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल को जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए, पार्टी के संगठन को नीचे तक पहुँचाने के लिए, संगठन की रणनीति बनाने के लिए, और खासकर युवाओं के जो युवा नए आने वाली नेतृत्व की टीम है उसको प्रशिक्षित करके मजबूती देने का काम किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि हमारे जो नौजवान है, आने वाली पीढ़ी है, देखो कल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करना है, उनकी कल्चर, उनकी सोच, उनकी राष्ट्रीय भावना और पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की नीति नीत और सिद्धांतों के आधार पर उनको तैयार करना, ये प्रथम वरीयता का विषय है। उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसी के बीच में हम लोग आज यहाँ आगरा की धरती पर हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।